विश्व क्रिकेट में एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो अपने दम पर मुकाबले का रुख मोड़ देने का मादा रखते हैं। क्रिकेट जगत में ऐसे खिलाड़ियों का रुतबा ही अलग होता है। खेल की परिस्थिति कैसी भी हो, फैंस को यकीन रहता है वह प्लेयर कुछ करिश्मा करेगा और मैच को जितवा देगा। वेस्ट इंडीज ने विश्व क्रिकेट को कुछ ऐसे ही मैच विनर प्लेयर्स दिए हैं। आज हम आपसे एक ऐसे ही मैच विनर खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने देश के लिए खेलना हर किसी के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन एक घातक एक्सीडेंट के बाद जब किसी खिलाड़ी को यह पता चलता है कि अब वह कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा तो उसका दिल टूट जाता है। सालों की मेहनत पर जब पानी फिर जाए तो एथलीट ही नहीं हर इंसान टूट कर बिखर जाता है। साल 2015 में एक घातक कार एक्सीडेंट में निकोलस पुरन के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें क्रिकेट छोड़ने तक की सलाह दे डाली। पुरन को जब पता चला कि अब वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे तो बेहोश हो गए। उनकी दो सर्जरी हुई। इतनी कठिनाइयों के बाद भी पुरन ने हार नहीं मानी। एक फेमस डायलॉग है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। सर्जरी के बाद पूरन 18 महीनों तक खेल से दूर रहे। सफल सर्जरी के बाद उन्होंने फिर एक बार उड़ान भरी और आज वे विश्व क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट की इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कैरिबियाई तूफानी बल्लेबाज निकोलस पुरन की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई खिलाड़ी 338 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा हो तो स्टेडियम का माहौल कैसा रहा होगा। उस दिन लगभग हर बॉल सीमा रेखा से बाहर जा रही थी। 13 मई को हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेले जा रहे मुकाबले में निकोलस पुरन ने 13 गेंदों में 44 रन बना डाले। इसी सीजन वो आरसीबी के खिलाफ 15 गेंदों में 8 शतक बनाने का कारनामा भी कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं निकोलस पुरन की पूरी कहानी। निकोलस पुरन का जन्म 2 अक्टूबर 1995 में वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद एंड टोबैगो शहर में हुआ। बचपन से ही एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने की झलक उनमें साफ दिख रही थी। पुरन ने स्कूल स्तर पर क्रिकेट की शुरुआत की। उन्होंने सैन फर्नांडो के नपीरमा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। स्कूल और यूनिवर्सिटी स्तर पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और जैक कैलिस जैसे खिलाड़ियों को देखकर वे प्रभावित हुए। बाएं हाथ के इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने कई अंडर एज और स्कूल एज प्रतियोगिताओं में त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कप्तानी भी की। जूनियर लेवल पर ही उनके खेल की चर्चा पूरे शहर में होने लगी थी। छोटे स्तर पर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखकर सबको यकीन हो गया कि आगे चलकर यह खिलाड़ी क्रिकेट में बड़ा नाम हासिल करेगा। मात्र 16 साल की उम्र में साल 2012 में एक रीजनल टूर्नामेंट के जरिए उन्होंने अपना अंडर 19 डेब्यू किया। उसके एक साल बाद यानी अक्टूबर 2013 में पूरन को वेस्ट इंडीज अंडर 19 टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 बायलेटरल सीरीज में उन्होंने हिस्सा लिया। इस सीरीज में वे अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ने में कामयाब रहे। साल 2014 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में नामित किया गया और सिर्फ टीम का हिस्सा ही नहीं थे बल्कि इसी टूर्नामेंट में उन्हें उपकप्तान का कार्यभार भी सौंपा गया। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। 6 मैचों में पुरन के बल्ले से 303 रन आए हैं और अपनी टीम के लिए लीड स्कोरर भी रहे। उन्होंने कनाडा और भारत के खिलाफ 8 शतक लगाया जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 143 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके शतक ने कई रिकॉर्ड भी कायम किए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्रेशर में खेली गई उनकी ये इनिंग्स अब तक की सर्वश्रेष्ठ इनिंग्स है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 खेलने से पहले वह त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए क्रिकेट खेला करते थे। साल 2013 में सीपीएल का आगाज हुआ। 17 साल की उम्र में उन्हें रीडिस्टिल स्क्वाड में शामिल किया गया। सीपीएल में खेलने वाले वे सबसे युवा खिलाड़ी थे। अपने डेब्यू सीपीएल मुकाबले में उन्होंने गुयाना इमेजिन वॉरियर्स के खिलाफ 24 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में 54 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 तूफानी सिक्सर भी शामिल रहे। उनकी इस आक्रामक पारी ने काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि टूर्नामेंट के बचे मुकाबले में वे इतने प्रभावशाली नहीं रहे। 2013 चैंपियंस लीग में भी उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आई। साल 2014 में सीपीएल में उन्होंने रेड स्टील की ओर से खेला लेकिन सीजन में फ्लॉप रहे। पुरन के बल्ले से एक भी 8 शतकीय पारी नहीं आई। 2014-15 घरेलू सीजन के दौरान उन्होंने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। दूसरे मैच में जमैका के खिलाफ पुरन ने 55 रनों की पारी खेली। क्लब लेवल पर भी वो क्लार्क रोड की ओर से क्रिकेट खेला करते थे। पुरन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन तभी एक सड़क हादसे में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। उनके घुटने और टखनों पर गंभीर चोटें भी आईं। इस सड़क हादसे के बाद वह घरेलू क्रिकेट और सीपीएल से बाहर हो गए। क्रिकेट में दोबारा पुरन की वापसी को लगभग नामुमकिन माना जा रहा था लेकिन वो कहते हैं अगर इरादों में जान हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 18 महीनों तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद पुरन ने धमाकेदार वापसी की और उन्होंने दुनिया भर की हर T20 लीग में हिस्सा लिया। BPL, PSL, हांगकांग ब्लिट्ज, वेस्ट इंडीज बी टीम और ग्लोबल T20 कनाडा लीग में उन्होंने हिस्सा लिया। BPL में हिस्सा लेने के उनके फैसले के बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट से उन्हें बैन कर दिया। सारी मुश्किल परिस्थितियों के बाद आखिरकार सितंबर 2016 में उन्हें वेस्ट इंडीज के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिला। पाकिस्तान के खिलाफ 23 सितंबर 2016 को उन्होंने अपना T20 डेब्यू मुकाबला खेला। साल 2018 में टीम इंडिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज
सीरीज में पूरन को जगह मिली। भारत दौरे पर तीसरे T20 मैच में पूरन ने 25 गेंदों में आक्रामक अंदाज से 53 रन बनाए। उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह पहला 50 था। टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया। फरवरी 2019 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में चुना गया। 20 फरवरी 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ निकोलस पूरन ने वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया। अप्रैल 2019 में इंग्लैंड में होने वाले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उन्हें वेस्टइंडीज स्क्वाड में जगह मिली। यह वर्ल्ड कप पूरन के लिए काफी अहम रहा। 1 जुलाई को उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक चढ़ा। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में वो अपनी टीम के टॉप स्कोरर भी रहे। कुल 9 मुकाबलों में पूरन के बल्ले से 367 रन आए। एक सफल वर्ल्ड कप के बाद ICC ने पूरन को राइजिंग स्टार बताया। वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2019-20 सीजन से पहले उन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया। नवंबर 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते उन्हें देखा गया। बॉल टेम्परिंग मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन पर 4 मैचों के लिए बैन लगा दिया गया। जुलाई 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला में उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया। कायरन पोलार्ड के चोटिल होने के बाद उन्होंने टीम की कमान भी संभाली। पूरन की कप्तानी में विंडीज टीम ने 4-1 से सीरीज जीत हासिल की। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया। लेकिन इस विश्व कप में पूरन और वेस्टइंडीज का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम इंडिया के खिलाफ हुई T20 सीरीज में पूरन ने ऐसा शानदार खेल दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने 3 मैचों में 85 लगाकर कुल 184 रन बनाए। हालांकि उनके ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। 3 मई 2022 को निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज की व्हाइट बॉल टीम का कप्तान बनाया गया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने टीम का नेतृत्व किया। वेस्टइंडीज के लिए टूर्नामेंट किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विंडीज टीम पहले राउंड में ही 3 में से 2 मुकाबले हारने के बाद बाहर हो गई। वेस्टइंडीज जैसी टीम सुपर 12 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्रिकेट जगत के लिए यह चौंका देने वाली बात थी। 21 नवंबर 2022 को पूरन ने कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया। निकोलस पूरन के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 18 नवंबर 2020 में उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एलिशा मिगुएल से शादी कर ली। जनवरी 2023 में पूरन और उनकी पत्नी के घर बेटी का जन्म हुआ। निकोलस पूरन की गिनती T20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में की जाती है। 2017 IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 30 लाख की रकम में खरीदा था। हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2018 IPL ऑक्शन में पूरन अनसोल्ड रह गए। 2019 IPL ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 4.2 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें टीम में शामिल किया। IPL 2020 निकोलस पूरन के लिए बेहद शानदार रहा। कुल 14 मुकाबलों में उन्होंने 353 रन बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट में वह चौथे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी थे। इस सीजन पूरन ने कुल 25 छक्के लगाए थे। 2021 IPL सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। इस सीजन उनके बल्ले से मात्र 85 रन ही आए। इसके बाद पंजाब की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया। 2022 IPL ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 10.75 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च करके उन्हें टीम में शामिल किया। लेकिन पूरन फ्रेंचाइजी की उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन करने में असफल रहे। 2023 IPL ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा। अब तक पूरन ने इस सीजन में लखनऊ के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। विंडीज के बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं खेला है। उन्होंने अब तक 24 वनडे मैचों में 1 शतक और 11 अर्धशतक के साथ कुल 1633 रन बनाए हैं। वहीं 75 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूरन के बल्ले से 1486 रन है। IPL 2023 में अब तक निकोलस पूरन की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।